दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर कूगर और ब्लैक पैंथर में लड़ाई हो तो उसमें कौन जीतेगा? चलिए जानते हैं। कूगर बिल्ली परिवार का एक शिकारी मांसाहारी जानवर है और इसे प्यूमा या माउंटेन लॉयन के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्षिणी अमेरिका के कई भागों में पाए जाते हैं। कूगर या माउंटेन लॉयन अपने इलाके को लेकर टेरिटोरियल होते हैं, मतलब किसी की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसीलिए कई बार इनकी लड़ाई ग्रिजली बियर और ग्रे वुल्फ जैसे जानवरों से भी हो जाती है। ये करीब 2.5 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और इनका वजन 50 से 100 किलो तक हो सकता है। ये जमीन से 5.5 मीटर तक की ऊंची छलांग लगा सकते हैं। इनका बाइट फोर्स 400 से लेकर 700 PSI तक होता है और ये 64 से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकते हैं। वहीं अगर ब्लैक पैंथर की बात की जाए तो ब्लैक पैंथर दरअसल काले रंग के जगुआर होते हैं या फिर तेंदुए होते हैं और इनका वजन 36 से लेकर 160 किलोग्राम और लंबाई 1 से 2 मीटर तक हो सकती है। ये एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में पाए जाते हैं। ब्लैक पैंथर भी लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जबकि इनका बाइट फोर्स 1350 PSI होता है, जिससे ये किसी इंसान की खोपड़ी तक का चकनाचूर कर सकते हैं। ये 6 मीटर तक के ऊंचे छलांग को लगा सकते हैं। ऐसे में अगर इन दोनों जानवरों में लड़ाई होती है तो इस लड़ाई में ब्लैक पैंथर के जीतने के चांस ज्यादा होंगे, इसलिए इस लड़ाई का विनर है ब्लैक पैंथर।